मॉर्निंग मिता, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है, क्योंकि ऐसा आप ये लिफ्ट पर बेस्ड कुछ बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। इस पर है बेटा लिफ्ट, लिफ्ट में आप बहुत गए होंगे, ओके बेटा। तो वो जो आपने फील वहां पर किया है ना, वो यही अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये कह रहा है अपेरेंट वेट। वेट सबसे पहले बच्चों, जो वेट होता है डब्ल्यू, वो mg के इक्वल होता है आपका। तो ये हमारा एक्चुअल वेट, ये क्या होता है हमारा एक्चुअल वेट। लेकिन जो वेइंग मशीन होती है, ये वेइंग मशीन, ये आपकी मशीन है वेइंग मशीन, ओके। इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा है और फिर ये मशीन क्या करेगी, रीडिंग देगी आपको। क्या देगी बेटा, रीडिंग देगी। तो वो जो रीडिंग है ना, वो हमारा एक्चुअल वेट नहीं है, एक्चुअल वेट के इक्वल नहीं है। ये रीडिंग हमारी अपेरेंट वेट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन रीड करती है ना, ये जो मशीन रीड करती है, जब एक बॉडी यहाँ खड़ी होती है तो इस बॉडी का एमजी नीचे लगता है और ये मशीन उस पर एक नॉर्मल लगाती है एन। तो ये मशीन जो है, ये जो मशीन है, ये नॉर्मल को रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है, ठीक है। अब जिस केस में नॉर्मल एक्चुअल वेट के इक्वल आएगा, तब तो वो एक्चुअल रीडिंग होगी। अदरवाइज नॉर्मल की वैल्यू अलग अलग आती है हमारे पास अलग अलग केसेस में। देखिए कैसे आएगी, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो हमारा एक्चुअल वेट होता है वो एमजी होता है बच्चों, लेकिन जो वेइंग मशीन होती है वो हमें एक्चुअल वेट नहीं बताती, वो हमें हमारा अपेरेंट वेट बताती है, नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला केस हम लेते हैं कि हमारी जो लिफ्ट है, लिफ्ट, ये आपकी लिफ्ट है। पहले केस में लिफ्ट आपकी रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में। तो लिफ्ट कहीं नहीं जा रही है, और ये लिफ्ट में मशीन है, और मशीन पर ये कोई भी पर्सन, कोई भी मैन खड़ा है, क्योंकि मैन का वेट आप देख रहे हैं, तो ये इस पे खड़ा है, ओके। लिफ्ट कहीं नहीं जा रही, रेस्ट में है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है उसका एमजी डाउनवर्ड, उस पर नॉर्मल अपवर्ड, तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो एफ नेट कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी ना नीचे ना ऊपर कहीं नहीं जा रही है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से एन इक्वल टू हमारा एमजी आ जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल वेट के बराबर आ जाएगा। तो अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। चले आगे दूसरा केस, जब आपकी लिफ्ट, लिफ्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अपवर्ड, अपवर्ड यानी ऐसे लिखते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो लिफ्ट है वो अपनी वी कांस्टेंट से नीचे या वी कांस्टेंट से ऊपर जाएगी। तो जब वी कांस्टेंट रहेगा तो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। तो उसका फोर्स क्या आएगा, जीरो। और लिफ्ट के अंदर कौन खड़ा है, एक मैन खड़ा है जिसका एमजी डाउन एक्ट कर रहा है, जिसका नॉर्मल अप एक्ट कर रहा है, बट नेट फोर्स उस पर क्या है, जीरो। तो वो तभी होगा जब उसका एन इक्वल टू क्या होगा, एमजी। बोलो बेटा, तो सेकंड केस में हमारी जो लिफ्ट, अगर आप किसी लिफ्ट में है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाती है, तो उस केस में आपकी जो वेइंग मशीन होगी वो आपका एक्चुअल वेट, वेट को रीड कर रही होगी, ठीक है बेटा। थर्ड केस पे चलते हैं, थर्ड केस, अब यहां से ध्यान देना शुरू कर देना। थर्ड केस है लिफ्ट
इज एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी तक एक चीज का ध्यान रखना, जब कोई बॉडी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो डी एक्सेलरेट होती है। देखो ध्यान से दिखाती हूँ एक बार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कोई बॉडी है और ये मान लीजिए कोई भी कार या बस जो भी आप देखना चाहें वो है, और यहां इसकी वी जीरो है। फिर थोड़ी देर बाद एक सेकंड बाद इसकी वी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 सेकंड यानी हर एक सेकंड के बाद अगले एक सेकंड, उससे अगले एक सेकंड, ऐसे चेंज हो गई। तो यहां से एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी का चेंज, 10 का, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, डेल्टा वी 10 चेंज इन टाइम, हर एक में 1 सेकंड। यहां पर टाइम 0 था या 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड, तो हर एक में टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा, 1 सेकंड का है। तो एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 10, तो वो एक्सेलरेशन हुआ बॉडी का। एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है बेटा, ठीक है। अब सुनिए, अब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं इस बॉडी को इस डायरेक्शन में देखूं और मैंने देखना शुरू किया यहां पे, तो यहां से देखा 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तो रिटार्ड हो रही है। तो बेटा वो नजरिए पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे देख रहे हो। तो एक बॉडी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, डी एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ घुमा के ऐसे दे सकता है कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड और डी एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड। मेरा जो पॉइंट था आपको समझाने का, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो आपको ये केस भी दे सकता है एक्सेलरेट, आप ध्यान रखेंगे एक से, तो मैं कहूंगी आप एक्सेलरेट वाले से ध्यान रखिए, लेकिन दिमाग में साथ के साथ चलना चाहिए कि भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है उसके अपोजिट में वो उसी टाइम पे डी एक्सेलरेट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में उल्टा दे दिया तो हमें डी एक्सेलरेट दिया, तो हम फटाफट से उसके अपोजिट डायरेक्शन देख लेंगे एक्सेलरेट में, ठीक है। तो आप देखिए लिफ्ट बनाइए जल्दी से, हमारी लिफ्ट एक्सेलरेट है अपवर्ड में, लो भाई एक्सेलरेट है अपवर्ड में, ठीक है भाई। मशीन मशीन पर ये एक पर्सन खड़ा है, ओके। अब इसका एमजी नीचे है, इस पे नॉर्मल ऊपर है, बाहर से खड़ा एक पर्सन देख रहा है ये सारी चीजें जो उसने ऑब्जर्व की है। तो उसके लिए ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इसका मतलब इसका नॉर्मल बड़ा एमजी छोटा, तो इक्वेशन लिखी उसने एन माइनस एमजी, बॉडी का मास एम है, बॉडी का मास एम, एक्सेलरेशन ए है, नेट फोर्स उस पे एम ए लग गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एमजी उधर चला गया, एम ए प्लस या एमजी प्लस एम ए। तो यहां से एन इक्वल टू एम कॉमन जी प्लस ए। अब ध्यान से देख लीजिए, यहां जो एन है वो हमारा ग्रेटर देन क्या आया है, एम जी, और एम जी क्या है हमारा एक्चुअल वेट, और एन क्या है हमारा अपेरेंट वेट। तो यहाँ अपेरेंट वेट हमारे एक्चुअल वेट से क्या आ गया, बड़ा आ गया, ज्यादा आ गया। इसका मतलब अगर कोई एक्सेलरेटर एलिवेटर, जो आपकी लिफ्ट की बात कर रही हूँ, कोई एलिवेटर या लिफ्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी एक्सेलरेट हो रहा है तो बॉडी का वेट बढ़ेगा। और अपेरेंट वेट, एक्चुअली अपेरेंट वेट आपको हैवी ऐसे फील होगा, झूला है स्विंग, ऐसे झूला किया है तो जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि आपको बड़ा मजा आता है, ठीक है, और हैवी ऐसे फील होता है। लेकिन जब वो झूला वही झूला नीचे की तरफ आता है, आपको लगता है आपके नीचे की सीढ़ी जो है, आपका जो बेस है वो गायब हो गया है, गिर गया है, या आप गिर जाओगे, आपको ऐसे हल्का हल्का फील होता है, ठीक है बेटा। तो वही चीज है, वो डाउनवर्ड में एक्सेलरेट होती है, तब वो अपवर्ड में एक्सेलरेट होती है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये बॉडी अपवर्ड में एक्सेलरेट हो रही है, जब झूला ऊपर जाता है तो
तो वो अपवर्ड में एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी का वेट अपेरेंट वेट बढ़ रहा है। जब झूला नीचे आता है, जब आप गांव में अपने रस्सी लगा के झूला झूलते हो, मैं उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, जब वो झूला नीचे आता है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है, उस केस में आपका वेट घट के आएगा, अगला केस वही होगा हमारा। लेकिन अपोजिट जरूर ध्यान रखें कि अगर वो डाउनवर्ड जा रही है और डी एक्सेलरेट हो रही है उसमें, तो उसका वेट बढ़ेगा अपेरेंट वेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट केस है। अच्छा एक चीज जो मैं आपको बता रही थी कि बाहर से खड़ा जो आदमी देख रहा है उसके लिए ये सारी कहानी ऐसे चल रही है। ठीक है बेटा, एक फोर्स हम नाम देते हैं सूडो फोर्स। क्या नाम देते हैं? सूडो फोर्स। एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि न्यूटन साहब ने ये कहा था कि भैया मेरा फर्स्ट लॉ जो है वो फेल है नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, मेरा सेकेंड लॉ जो है वो भी फेल है नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए F इक्वल टू ma, लेकिन थर्ड लॉ जो है मेरा वो नॉन इनर्शियल इनर्शियल सभी जगह एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपसे ये कहता है, ध्यान से देख लेना बच्चों, फिर मैं उसका नेक्स्ट केस डिस्कस करूंगी। ये वाला पॉइंट डिस्कस करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है इसमें। ये कार या बस है और ये मूव कर रही है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, जो भी है इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या वो सही है? ठीक है मैम, बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पर आप दूसरी गाड़ी में बैठ के आ गए, तो दूसरी गाड़ी में बैठ के आ गए और आपकी खुद की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, इतनी एक्सेलरेट है, और यहां से बैठ के आप फिर उसको कह रहे हो 5 मीटर पर सेकंड उसकी एक्सेलरेशन है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला आप लगाते हो यहां से, ये बॉडी जो चल रही है ये बॉडी एक्सेलरेट है। ठीक है, ये बॉडी एक्सेलरेट है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है एफ इक्वल टू एम ई, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैल्यू है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो बॉडी रेस्ट में या जिसका वी कांस्टेंट होता है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है और वो दूसरी बॉडी का मोशन डील करती है। लेकिन जब वो खुद ही बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो ऑब्जर्व करने वाली, तो वो नॉन इनर्शियल में आ जाता है। किसमें आ जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो बेटा एक सूडो फोर्स, पी साइलेंट, सूडो फोर्स जो होता है, सूडो फोर्स ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी भी जगह, चाहे इनर्शियल चाहे नॉन इनर्शियल, आप मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके और आप इस फोर्स की हेल्प से आप अपना फर्स्ट और सेकंड लॉ को वहां यूज कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, सूडो फोर्स की हेल्प से, मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगी, जब हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी तो हम इसको तभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सूडो फोर्स की हेल्प से नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है करने का, तो इसको अप्लाई करके लिफ्ट के केस आप अलग ही तरीके से समझेंगे और बहुत ही आसान हो जाता है। या फिर देखेंगे बाद में, भाई जल्दी से अगर स्कूल रिज्यूम नहीं होते हैं, नहीं खुलते हैं, तो फिर इस पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आप चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, लिफ्ट के नंबर 4, जिसमें लिफ्ट एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो करवा देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट को एक्सेलरेट। ये लिफ्ट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये उसका एक्सेलरेशन। ओके, ये वेइंग मशीन, ये पर्सन और ये उसका इंजन, कुछ नहीं बदला, ये उसका नॉर्मल। एंड अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो बॉडी पे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, बाहर से खड़ा होकर कोई देख रहा है उसको और उसको दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं। बॉडी नीचे जा रही है तो एम जी बड़ा, एक्सेलरेट हो रही है ना, तो एम जी बड़ा, एम छोटा, तो एम जी
एन छोटा, नेक्स्ट फोर्स एम ए, तो यहां से एन उधर गया, एम जी माइनस एम ए, एन तो एन हो गया एम कॉमन, जी माइनस ए, इसका मतलब एम जी में कुछ घट रहा है तो एन क्या हो गया हमारा कम आ गया, एम जी से एन क्या हो गया कम आ गया, तो यहां अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से लेस रहेगा। जब कोई बॉडी डाउनवर्ड में एक्सेलरेट हो रही है तो उसका दूसरा मतलब है वो अपवर्ड में, डाउनवर्ड में एक्सेलरेट है तो अपवर्ड में डी एक्सेलरेट, ऊपर जाते हुए अगर वो डी एक्सेलरेट कर रही है तो आपका जो अपेरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से कम आएगा, लेस आएगा। क्लियर है? ओके, लास्ट केस आता है इसमें फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि ये हमारी लिफ्ट थी, लिफ्ट की रस्सी किसी ने काट दी, ये सीजर लेके कट कर दी लिफ्ट की रस्सी। इसमें जो मैन था, इस मशीन पे जो खड़ा था, उसका एनर्जी जो नीचे था और नॉर्मल जो ऊपर था, अब जो एक्सेलरेशन हो गया फ्री फॉल में जी के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, जी के इक्वल। तो डाउनवर्ड में हुआ ना, तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू यहां से, अच्छा सॉरी मैंने नॉर्मल लिखना था, ये बड़ा ये छोटा एम जी माइनस, तो ये एम ए, एम ए की जगह मैं पुट कर दूंगी एम जी माइनस एन इक्वल टू एम जी, तो बेटा यहां से एन इक्वल टू क्या हो गया, एन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जीरो आ गया, नॉर्मल रिएक्शन जीरो। यानी बॉडी फ्री फॉल ऐसा तभी होता है ना जब बॉडी को कोई बेस ना मिले, तो उसका रिएक्शन कहां से मिलेगा, तो उसमें वो वेट लेस हो जाती है। बॉडी कैसी हो गई, वेट लेस, कैसी हो गई बेटा, वेट लेस हो गई। अब सुनिए ऐसे केस में होगा क्या, अब मैं यहां पिक्चर बना रही हूं आपके लिए, उसको समझना है आपने अच्छे से, होना क्या है वो देखिए। ये लिफ्ट की, इस लिफ्ट में मशीन पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है, तब इस आदमी का एमजी नीचे था और नॉर्मल इसके ऊपर था, ऐसे था। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही थी वजह से, ये भी इसके साथ नीचे जा रहा था वजह से, ठीक है। लिफ्ट की रस्सी किसी ने काट दी, लिफ्ट की रस्सी काट दी तो लिफ्ट हो गई जी एक्सेलरेशन से नीचे, लेकिन इसका कॉन्टेक्ट यहां से छूट गया जैसे इसका एक्सेलरेशन, तो लिफ्ट की जो छत है वो धीरे धीरे क्या होगी, नीचे आएगी लिफ्ट की छत, और जो छत है वो इसके सिर से आके टकरा जाएगी। बोलो बेटा, तो जो पर्सन है छत उसके सिर से आके टकरा जाएगी, इस केस में ऐसा होगा, समझ में आया बेटा, ठीक है। ये था लिफ्ट का केस बेटा। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। दो केस है हमारे पास, कैसे है, दो सिचुएशन है गिवन बॉडी के लिए, इस पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको खुद करना है। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ही अच्छा पुली का क्वेश्चन है, ये पुली है, इस पुली के ऊपर ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, और इसका मास m है, इसका मास 2m है, और ये a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है और ये a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। ओके, टेंशन आप दिखा लेंगे इसमें t, इसमें t, ठीक है। दूसरा केस है, यही पुली है, इस पे ये बॉडी है और बॉडी का मास m है, दूसरी तरफ जो रस्सी है उस रस्सी पर हमने यहां पर एक फोर्स लगा दिया F इक्वल टू 2mg, बॉडी नहीं लटकाई हमने, उस रस्सी को खींचा 2mg फोर्स अप्लाई करके, ये अप्लाई किया है हमने। तो पूछ रहा है इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो A2 होगा, बॉडी का ऊपर जाने का, बॉडी तो यही है, इसको नीचे खींचोगे रस्सी को तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, तो A2 कह दिया इस एक्सेलरेशन को, तो हमने A1 एंड A2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। शुरू करें, आ जाते, पहली बॉडी का एम जी नीचे,
दूसरी बॉडी का mg, 2mg नीचे, टेंशन ऊपर दिखाई दिया, ठीक है। इक्वेशन लिखिए, यहां से इक्वेशन लिखी, एक्सेलरेशन ऊपर t माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए वन, एम इंटू ए वन। अभी तक प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने अभी नहीं बनाया, अब बनाइए। दूसरी बॉडी के लिए, इसके लिए ये नीचे जा रही है, तो ये बना 2mg माइनस t इंटू टू एम, एम हाफ हो गया, 2m इंटू ए वन, ये ठीक है। यहां से m a1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो t माइनस mg इक्वल टू ये वैल्यू यहां रखेंगे। और एक सेकेंड देखिए, अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां का 2mg माइनस t सेकेंड इक्वेशन इंटू में 2, और ये आ जाएगा t माइनस एम जी, इसको ओपन कर लो, 2t माइनस 2mg, इधर कौन है 2mg माइनस t, तो ये 2mg इधर आ गया, t उधर ले जाओ, तो 3t इक्वल टू 4mg, ठीक है बेटा। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, पक्का सही लिखा है, t माइनस एम जी, 2mg माइनस t 2ma, तो यहां पर मैंने एम ए वन की वैल्यू को इंटू टी माइनस एम जी पुट कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 2t माइनस 2mg, 2mg इधर आया, हाँ जी 2mg इधर आ गया, 4mg हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां से आपने t निकाल लिया, t आ गया आपका 4/3mg, तो t आ चुका है। t की वैल्यू रख देते हैं, कहां पर रखें, किसी भी इक्वेशन में रख लो, फिर वहां से a1 निकाल लेंगे, तो यहां रख लेते हैं, t की वैल्यू रख ली 4/3mg माइनस में mg इक्वल टू एम ए वन, तो यहां से कितना बचा, यहां से बच गया 4-3, तो ये आ गया 1/3mg, और ये एम ए वन, एम से एम कट गया, तो ए वन आ गया 1/3, यानी जी बाई थ्री, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, आगे काम होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व की टी की वैल्यू यहां रखती बेटा, मैंने वन में अपूर्ण कीजिए, मैथमेटिक्स है पूरा। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट पर जाना, बॉडी का mg नीचे था तो टेंशन ऊपर आ गया, बॉडी नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, इस पॉइंट पे मैंने ये फोर्स लगाया, तो यहां पर टेंशन ये आया t, ठीक है, और इस बॉडी पे टेंशन ये आया t, मुझे a2 चाहिए। तो बच्चों, m बॉडी का mg नीचे ऊपर जा रही है a2 से, तो पहले इस बॉडी का t माइनस mg इक्वल टू mg इक्वल टू एम ए टू आ जाएगा, बिल्कुल। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे नेट जो ये फोर्स है, क्या ये इस टी के इक्वल, फोर्स की वैल्यू कितनी है 2mg, तो क्या ये टी के इक्वल। अब इन दोनों में फर्क देख लीजिए क्या है, इस पॉइंट का कोई एक्सेलरेशन डिस्टेंस नहीं, इस पॉइंट पे इस रस्सी को हमने खींचा है 2mg से, तो इसमें इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो जस्ट 2mg के इक्वल, बोल लो बेटा, ठीक है। अब देखिए, t की वैल्यू का भी याद रखो, 2mg माइनस mg इक्वल टू एम ए टू, एम जी इक्वल टू एम ए टू, एम से एम गया, ए टू इक्वल टू जी, ए टू बॉडी जी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ए टू का एक्सेलरेशन कितना आ गया जी, और ये कितना आ गया जी बाई थ्री, देयर फोर जो हमारा ए टू है वो हमारा ए वन से बड़ा होगा, ये दोनों में रिलेशन आ चुका है जो आपको फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है। तो यहां तक हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप डिस्कस करें बेटा, अपने डाउट व्हाट्सएप पर सेंड करके मुझसे पूछ ले, डाउट को इकट्ठा ना होने दे, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।